हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं रंजीत और एच एंड बी रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज की स्क्रिप्ट जो थी वो 2010 में ही लिखी जा चुकी थी और ये फिल्म सबसे पहले ऑफर की गई थी सनी देओल को। उनके अगेंस्ट लिया गया था ऐश्वर्या राय को, पर सनी देओल को डेट्स ना मिलने के कारण या कुछ और भी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से सनी देओल को इस फिल्म में लिया जाने वाला था, लेकिन वो इस फिल्म को कर नहीं पाए। इस फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि ये फिल्म हो चाहे जैसे हो। फिर 10-11-12 साल बीते और आखिर में ये फिल्म यशराज फिल्म्स के खाते में जा मिली और इस फिल्म को साइन किया गया अक्षय कुमार को, और अक्षय कुमार के अगेंस्ट में ले लिया गया किसको, मानुषी चिल्लर को। पृथ्वीराज चौहान की कहानी कई बार टीवी पर दिखाई गई है, लेकिन इस बार इसे बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है कुछ नया ही देखने को मिले। चलिए अब जानते हैं कुछ अलग फैक्ट्स के बारे में इस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस है मानुषी चिल्लर, शी वॉज द 6th इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू वन द मिस यूनिवर्स अवार्ड। 2017 के बाद इन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन अपने बिजिएस्ट करियर के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इन्हें यशराज फिल्म की ऑफर आई और साथ में अक्षय कुमार, तो ऐसी फिल्म को कौन रुकाता है, शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जो इस फिल्म को ठुकराए। अभी हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म आई थी सूर्यवंशी, जिसे आपने देखा होगा तो पाया होगा कि वो उस फिल्म में ओल्ड एज जैसे नजर आए थे, लेकिन अब आप पृथ्वीराज का टीजर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यंगर वर्जन की ऑफ लुक में नजर आने वाले हैं। क्योंकि पृथ्वीराज की जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच केवल 25 या 26 साल का ही अंतर है, और 25 और 26 साल का ही अंतर है, जिसके चलते उन्हें किसी भी तरह से अपने लुक को निखारना होगा और 25-26 साल का ही उन्हें दिखना होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी लड़ाई 25-26 साल की छोटी उम्र में ही कर ली थी। और अब बात करेंगे अंत में इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। एक खास बात यह है इनके डायरेक्शन ऑफ मूवी की कि इन्होंने ज़्यादातर हिस्टोरिकल मूवी या सीरियल ही किया है, जैसे 90s में चाणक्य, इसके बाद मृत्युंजय जो महाभारत के कर्ण के ऊपर आधारित थी, फिर उन्होंने सनी देओल के साथ मोहल्ला 80 यह फिल्म थी जो 2018 में आई थी। तो उन्होंने इन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उन्होंने हिस्टोरिकल या भारत की संस्कृति को अपनी फिल्मों के माध्यम से सामने लाने का प्रयास ही किया है। तो ये ऐसे डायरेक्टर हैं दोस्तों जिन्होंने हिस्ट्री आपके सामने लाने पे ज़्यादा जोर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों इस फिल्म के माध्यम से हिस्ट्री की बहुत सारी अननोन फैक्ट्स हमारे सामने आने वाली हैं, जो पृथ्वीराज के जीवन की घटना हो, जिन्हें हमें पता ना हो, जिन्हें जो हमें मालूम ना हो, लेकिन इस फिल्म के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये फिल्म आ रही है 21 जनवरी 2022 को। यह एक बहुत बड़ी फिल्म जान पड़ती है और ये एक बहुत बड़ी फिल्म होने भी वाली है, क्योंकि इसमें अक्षय कुमार है, इन्होंने अपने लुक को बहुत ही निखारा है, आप टीजर देख करके पता लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।